गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी कहां से, एस सी वर्मा की बुक से। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज द वैल्यू फ्रॉम हाफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। ठीक है तो चलिए, और ऑप्शन गिवन है चार, टी बाय ट्वेल्व, टी बाय सिक्स, टी बाय टी बाय टू और टू टी बाय थ्री। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, ये क्या है पार्टिकल की मेन पोजीशन पे, पार्टिकल की क्या है मेन पोजीशन पे, मेन पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जी, उसको क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है कह रहा है कि पार्टिकल ए बाय टू से ए तक गया, ए बाय टू डिस्प्लेसमेंट से ए तक गया, और पूछ रहा है कि यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लेगा, यहां से यहां तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा। इनिशियली मैं मान लेता हूं पार्टिकल कहां पे, मेन पोजीशन पे, एट टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल कहां पे, मेन पोजीशन पे। ठीक है और जीरो से मेन पोजीशन से ए बाय टू तक जाने में उसको टाइम लगा टी वन, और ए तक जाने में उसको टाइम लगता है मान लेते हैं ये भी टी टू। ठीक है बताना ये है कि ए बाय टू से ए तक जाने में कितना टाइम लगा पार्टिकल को, तो मैं क्या करूंगा T1 निकाल लूंगा, T2 निकाल लूंगा, और T2 में से T1 माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये टाइम मिल जाएगा A2, A by 2 से A तक जाने में कितना टाइम लगा। मींस मुझे निकालना है T2 माइनस T1। अच्छा जब पार्टिकल इनिशियली मेन पोजीशन पे हो तो उसके लिए एसएचएम की इक्वेशन क्या बनती थी, X इज इक्वल टू A साइन ओमेगा T। ठीक है जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन पे हो उसके लिए एसएचएम की इक्वेशन एक्स इजल टू ए साइन ओमेगा टी, फाइव जीरो हो जाता है। ठीक है नहीं पता तो मेरे वीडियो जाके देख लेना, पहले वाली से मैंने बताया फेस और फेस कॉन्स्टेंट के बारे में। ठीक है तो चलिए जब पार्टिकल ए बाय टू पे पहुंच जाएगा, ए बाय टू पे पहुंच जाएगा तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम ले रहा है टी वन टाइम ले रहा है, यहां से कैंसिल, साइन ओमेगा टी वन इज इक्वल टू वन बाय टू, ओमेगा टी वन इज इक्वल टू फाइव बाय सिक्स, यहां से टाइम पी ओमेगा क्या हो जाएगा टू पाई बाय टी इंटू टी वन इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, पाई से पाई कैंसिल, यहां से मुझे मिलेगा टी वन मिलेगा टी बाय ट्वेल्व, कितना मिला मुझे टी बाय ट्वेल्व मिला। मीन्स मेन पोजीशन से ए बाय टू तक जाने में कितना टाइम लगता है टी बाय ट्वेल्व। अब मेन पोजीशन से ए तक निकाल लेते हैं तो फिर से इक्वेशन एक्स इजल टू ए साइन ओमेगा टी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ए, तो ए साइन कितना टाइम लगा टी टू, टी टू यहां से कैंसिल, साइन ओमेगा टी टू इज इक्वल टू वन, ओमेगा टी टू इज इक्वल टू पाई बाय टू, टू पाई बाय टी इंटू टी टू इज इक्वल टू पाई बाय टू, पाई से पाई कैंसिल, यहां से टी टू आ जाएगा टी बाय फोर, कितना मिल गया मुझे टी बाय फोर, निकालना क्या है मुझे टी टू माइनस टी वन तभी तो मिलेगा ये, तो टी टू माइनस टी वन किसके इक्वल हो जाएगा, टी टू कितना है टी बाय फोर और माइनस टी वन कितना है टी बाय ट्वेल्व, टी बाय ट्वेल्व, तो टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू कितना ट्वेल्व, और ये थ्री टी माइनस के टी, टी टू माइनस टी वन टी बाय सिक्स आ जाएगा, कितना आ गया टी बाय सिक्स। तो मुझे कितना टाइम लगा, सॉरी पार्टिकल को कितना टाइम लगा ए बाय टू से ए तक जाने में, पार्टिकल को कितना टाइम लगा ए बाय टू से ए तक जाने में टी बाय सिक्स टाइम लगा, कितना टी बाय सिक्स टाइम लगा। अच्छा जो भी अभी भी हम क्वेश्चन इस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है जो जो हमारा लॉन्ग मेथड है जो कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम फेजर डायग्राम जब पढ़ेंगे उनसे भी करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा तब। ठीक है फेजर से तो आया समझिए, अभी पहले के लिए इसके ये समझ लेते हैं हम, ठीक है किस तरह से एक प्रोसेस के थ्रू हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद हम फेजर को भी समझेंगे, ये सभी क्वेश्चन फिर से फेजर से भी करने वाले हम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं।
क्वेश्चन है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पहले करा देना चाहिए था, फिर भी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट t इक्वल टू जीरो, पार्टिकल कहां पे है, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3a/2 पे, एंड गोइंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, गोइंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये पार्टिकल की मेन पोजीशन, ये हमारा ए एम्पलीट्यूड, इधर नेगेटिव ए एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की यहां से यहां तक, इनिशियली पार्टिकल कहां पे, माइनस अंडर रूट 3a/2 पे, माइनस अंडर रूट थ्री ए बाय टू पे इनिशियली पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पार्टिकल किधर जा रहा है, इधर टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल यहां पे, और जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, विच मीन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का मीन वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए मेरी। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, SHM की, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एट टी इक्वल टू जीरो पे, पार्टिकल कहां पे है, एक्स इजिकल टू माइनस अंडर रूट 3a/2 पे, तो रख देते हैं पे माइनस अंडर रूट 3a/2 इज इक्वल टू ए साइन, टाइम कितना जीरो, फाइव ए से ए कैंसिल, सॉरी अंडर रूट 3a से ए कैंसिल, ये बचेगा साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2, टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम के बाद रिपीट करता है साइन अपने आपको, जीरो से टू पाई, तो देख लेते हैं। अच्छा अंडर रूट 3/2 की वैल्यू क्या होती है, वैसे पॉजिटिव में, पाई बाय 3, तो पाई यहां से देखते हैं क्या 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 वैल्यू मुझे मिल सकती है, साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2, अच्छा साइन कब कब, ए सी टी एस, साइन कब कब नेगेटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव, साइन, यहां पे नेगेटिव, तो विच मीन्स मुझे क्या मिल सकती है, साइन पाई प्लस पाई बाय 3 हो सकता है, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और साइन 2π माइनस पाई बाय 3, ठीक है, सेम वैल्यू मिलेगी मुझे नेगेटिव, तो यहां से मुझे मिलेगा 4π/3, यहां से 5π/3, तो फाइव की वैल्यू मुझे 2 मिल गई, 4π/3 और 5π/3। अब देखते हैं वेलोसिटी किस पे पॉजिटिव होगी, कौन से एंगल पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, तो वेलोसिटी क्या होती है, यहां से ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 एट टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी, ए ओमेगा कॉस 5, तो जिस फाई के लिए मेरा जिस फाई के लिए मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो वही क्या होगा, मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, इफ फाई इज इक्वल टू क्या ले लू मैं, 4π/3, तो वेलोसिटी मुझे मिलेगी 4π/3 मीन्स पाई प्लस पाई बाय 3, कॉस क्या होता है यहां पे, कॉस क्या होगा, कॉस क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव मिलेगा, कॉस कहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे और यहां पे कॉस, तो कॉस यहां पे इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो वेलोसिटी हो जाएगी मेरी, वेलोसिटी क्या मिलेगी मुझे, नेगेटिव, इफ 5π/3 क्या लू मैं, फाइव, अगर जो 5π/3 लू, तो कॉस चेक करो, कॉस क्या होगा,
टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, यहां पे क्या होगा कॉस पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी मुझे मिलेगी यहां से, ये मेरा क्या होगा पॉजिटिव, वेलोसिटी मुझे मिलेगी यहां से पॉजिटिव। इट मीन्स विच वन इज करेक्ट, फाइव पाई बाय थ्री इज करेक्ट होगा फाइव। तो हमारी एस एच एम की इक्वेशन क्या बन गई यहां से, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाय थ्री, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं x एंड t में, और एस एच एम की इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना होता है, सिर्फ फाइव फाइव, और वेलोसिटी क्या बताती है हमारी, डायरेक्शन बताती है। अगर जो पॉजिटिव में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए उस पाई के लिए। अगर जो नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो वेलोसिटी उस पाई के लिए क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम क्या देंगे, फेजर से करने वाले हैं बाद में, जब मैं आपको फेजर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।